नमस्कार बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। हमने इस पहले वाली क्लास में पढ़ा लिंग और वचन, आज हम पढ़ेंगे क्रिया। हमारा प्रकरण है, जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिया। तो बच्चों हम जानेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं और नकार किसे कहते हैं। जो क्रिया के बारे में सुनने के लिए डेफिनेशन क्या है, नकार संस्कृत में कितने होते हैं। तो क्रिया जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया की परिभाषा है, क्रिया की परिभाषा, क्रिया की परिभाषा है कि जिन शब्दों से कार्य के करने या होने का बोध होता वह क्रिया कहलाती है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, क्रिया किसे कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। और क्रिया संस्कृत में क्रिया का मूलभूत ही अर्थ मिलाता है। संस्कृत में क्रिया का मूल रूप ही क्रिया का मूल रूप ही क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। तो बच्चों यानी कि संस्कृत में क्रिया को हम क्या कहते हैं, क्रिया को संस्कृत में हम धातु कहते हैं। तो बच्चों संस्कृत में धातु कौन कौन सी होगी, जैसे पढ़ मतलब होता है पढ़ना, चलना, लिखना, हंसना, इसी तरह से बदनीत बोलना, दक्षिणी जाना, धाव मिस बोलना, ये सब के नीचे अलग अलग वेश का मतलब आदेश होता है ना। धाव मिस दौड़ना और खाद मिस खाना, नृत्य मिस नाचना, नृत्य करना, और भी है पानी पीना, आया पी धातु और इसका अर्थ होता है पीना। भूमि होना, अस्मिन होना, ये सब क्रियाएं बेटा एक बार फिर से देखेंगे। पठमिन पढ़ना, चलमिन चलना, लिखमिन लिखना, हसमिन हंसना, बदमिन बोलना, गच्छमिन जाना, धावमिन दौड़ना, खादमिन खाना, नृत्य करना, पामिन पीना, भूमिन होना। ये सभी क्रियाएं हैं और इन सभी क्रियाओं को आप याद भी करेंगे। इनके अलावा अनेक क्रियाएं हैं, तो आप इन सभी
क्रियाओं को याद कर लेंगे। अब हम पढ़ेंगे लगा, नोट डाउन कर लेंगे। लगा, तो बच्चों हमने पढ़ा कि क्रिया पर आप पढ़ेंगे लगा। लगा संस्कृत में कितने होते हैं? तो संस्कृत में बच्चों लगा होते हैं 10। संस्कृत में लगा 10 प्रकार के होते हैं। 10 प्रकार के होते हैं बच्चों। हम जानेंगे लगा करते किसे हैं। तो लगा करते किसे हैं? लगा करते हैं क्रिया के रूप को ही हम क्या कहते हैं? लगा कहते हैं क्रिया के मूल रूप को। क्रिया के मूल रूप को ही संस्कृत में क्या कहते हैं? लगा करते हैं क्रिया के मूल रूप को ही लगा करते हैं। क्या कहते हैं? लगा कहते हैं। या आप याद रखेंगे बच्चे, तो संस्कृत में लगा के करते हैं 10 प्रकार करते हैं, लेकिन आपके सिर्फ कितने चलते हैं? 8 तक 5 ही चलते हैं। तो सबसे पहला जो लगा होगा वो होगा लट लगा। कौन सा लगा? लट लगा। लट लगा, लट लगा का मतलब हो गया वर्तमान काल। कौन सा काल? वर्तमान काल, वर्तमान काल। दूसरा है लिट लगा, लिट लगा जिसका अर्थ मतलब हो गया भविष्य काल। कौन सा? भविष्य काल, भविष्य काल। आगे देखेंगे वो थर्ड वाला जो है वो है लंग लगा, लंग लगा जिसका मतलब हो गया भूतकाल, भूतकाल जिसे हम पास्ट टेंस भी कहते हैं। फोर हो गया, फोर आपके चलता है लोट लगा। कौन सा? लोट लगा। लोट लगा का होता है अज्ञात, अज्ञात था। इस तरह पांचवा हो जाएगा विधिलिंग लगा, विधिलिंग, विधिलिंग लगा, विधिलिंग लगा अर्थात चाहिए अर्थ में, चाहिए अर्थ में। तो बच्चों हमने जाना कि लगा कौन कौन से हैं। पांच लगा है, लट लगा, लिट लगा, लंग लगा, लोट लगा, विधिलिंग लगा। लट लगा मतलब वर्तमान काल, लिट लगा मतलब भविष्य काल, लंग लगा मतलब भूतकाल, लोट लगा मतलब अज्ञात काल और विधिलिंग लगा मतलब चाहिए अर्थ में। लेकिन बेटा आपके छठी क्लास में सिर्फ दो ही चलते हैं, लट लगा और लिट लगा, वर्तमान काल और भविष्य काल। बाकी सातवीं क्लास में और आठवीं क्लास में चलते हैं। तो बच्चों हम सिक्स्थ क्लास में सिर्फ लट लगा और लिट लगा ही पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था पट धातु, जिसे इसमें लट लगा किससे लगी? पट धातु पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठाव, पठा। लिट लगा किससे लगी? पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यत, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावत, पठिष्यावत। तो बच्चों हम इस क्रियाओं को और लगाओं को समझने से पहले हम पुरुष पढ़ेंगे। तो देखते रहिए बेटा, आपको हम पढ़ाएंगे पुरुष। इसके बाद ध्यान से देखेंगे